आज के हमारे वीडियो ऑफ द डे का टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ वन मोल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने देख सकते हैं वन मोल की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसे आप बस थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कार्बन 12 का हम 0.012 ग्राम अमाउंट ले लेते हैं। कार्बन 12 को हम 12 ग्राम ले लेते हैं। यहाँ पर किलोग्राम का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मास का यूनिट है वो होता है आपका किलोग्राम, इसलिए यहाँ पर इसे 0.012 किलोग्राम लिखा गया है, जिसे हम 12 ग्राम भी कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 12 ग्राम कार्बन 12 का अमाउंट ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, लेने के बाद उसके बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े कर लिए, बहुत ज़्यादा महीन उसे पीस लिया। उसके बाद में हमने उसके अंदर एटम को गिना कि कितने एटम हैं। तो उसके अंदर जितने भी एटम मिले, उसके अंदर जितने भी एटम निकले, हमने उन्हें नाम दे दिया वन मोल। हमने कार्बन 12 एटम का 12 ग्राम अमाउंट लिया, उसे छोटा छोटा पीस लिया, बहुत ज़्यादा छोटा। फिर हमने उसके अंदर एटम के नंबर को गिना के कितने एटम हैं। तो जब हमने उसके अंदर एटम्स को गिना तो उन एटम की संख्या को हमने नाम दे दिया वन मोल। ये जो वन मोल है, इसकी बेस्ट वैल्यू होती है एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट जो है, ये इसकी बेस्ट वैल्यू है, जिसका वैल्यू रहती है 6.022000452×10^23। यानी कि इतने उसके अंदर एटम्स निकले थे और इन्हें हम एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी 12 ग्राम आप कार्बन 12 लीजिए, हम का 12 ग्राम कार्बन 12 का अमाउंट लीजिए, उसके अंदर उसे पीसिए और उसके अंदर जितने भी आपके एटम निकले उन्हें हमने नाम दे दिया वन मोल। और वन मोल की जो बेस्ट वैल्यू है वो 2×2.022000452×10^23 होती है, जिसे हम एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की है कि मैंने कहा बेस्ट वैल्यू। बेस्ट वैल्यू इसलिए कहा है क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि जो एटम है वो बहुत छोटा होता है। अगर बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ को आप कितना भी पीस लीजिए, कितना भी छोटा कर लीजिए, ऐसे में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को पता करना बहुत मुश्किल रहता है, इसलिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर आप डेफिनेशन में एक वर्ड पाएंगे, एलिमेंट्री एंटाइटीज। इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी भी एटम के अंदर, मान लीजिए किसी भी एटम की संख्या आपसे कही जाए, अगर इतने एटम हैं तो हम इसे कह देंगे कि ये वन मोल है। एंटायटी का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन और अदर चीज। अगर आपसे कहा जाए कि वन मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप कह देंगे वन मोल इलेक्ट्रॉन में 6.00×10^23 इतना इतना इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपसे कहा जाए वन मोल प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या में इतने प्रोटॉन होंगे वन मोल में। आपसे कहा जाए वन मोल इलेक्ट्रॉन, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होगा। आपसे कहा जाए वन मोल मॉलिक्यूल्स, तो वन मोल मॉलिक्यूल्स में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यानी कि 6.022000452×10^23 जो है वो हमें बताती है कि कितने ये जो संख्याएं से हम वन मोल कह देते हैं। अब इतनी चीज़ हमें कहीं पर भी मिलेगी, जितने इतने नंबर अगर हमें किसी भी जगह मिलेंगे, हम उन्हें वन मोल कह देंगे। अगर इतने इलेक्ट्रॉन मिले तो वन मोल इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन मिले तो वन मोल प्रोटॉन, इतने मॉलिक्यूल्स मिले तो वन मोल मॉलिक्यूल्स। ये डेफिनेशन हमें अडॉप्ट की थी 1967 में, जो करंट डेफिनेशन है उसे बनाया गया था 1969 में। और मोल जो है वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक